हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ रोहू फिश फ्राई, लेकिन रोहू फिश फ्राई दूसरे अलग से अलग टाइप से बना रही हूँ मैं। आप देख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए, मैंने थोड़े से फिश लिए हैं, रोहू फिश है ये। इसको मैं अब मैरिनेशन करूँगी। देखिए, ये आधा नींबू मैंने लिया है। आधा नींबू को मैंने पहले फिश के ऊपर दे दूंगी। पूरा ही मैंने निचोड़ लिया है। ठीक है, आधा फिश को मैंने निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें दूंगी हाफ चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, नाम मात्र हल्दी जाएगी। हो गया नाम मात्र हल्दी। अब मैं इसमें दूंगी अदरक का पेस्ट, एक टीस्पून, वन टीस्पून। अब जाएगा गार्लिक पेस्ट, ये हाफ टीस्पून गया। और ये जाएगा मिर्ची और धनिया का दरदरा पिसा हुआ, ये जाएगा। ये इसमें मिर्ची है और धनिया का पेस्ट है। थोड़ा सा मैं मिर्ची ज्यादा दे रही हूँ। ये मिर्ची मैंने दरदरा पीस के रखा है, इसी को मैं दे दूंगी। थोड़ा सा ज्यादा ही दे रही हूँ। थोड़ा मछली तीखा तीखा अच्छा लगता है। बम्बई में मैं हूँ, बहुत बारिश हो रही है। आज सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। बच्चे ऑफिस गए हैं फिर भी, लेकिन उसी में सब कुछ हो रहा है काम। ये हो गया आपका मैरिनेशन। ओके, अब जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा पोहा लिया है। ओके, अब ये पोहे में मैं कोट कर लूंगी। मैंने कहा था ना कुछ अलग सा बनाऊंगी, तो यही अलग सा बन रहा है मेरा। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही, फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। अब इसमें रख दे रही हूँ अलग से सबको बना करके। फिर मैं, ये देखिए,
ये देखिए, ये देखिए, दोनों तरफ से इस तरह से लगा के लेना है। गैस को ज़रा स्लो कर देना है, स्लो करके इसको फ्राई करना है। एक फ्राई हो गया है, अब देख लीजिए मैं इसको दूसरा फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हुआ है। ये जरा सा और भी लाल होता, ये बाद में मैं दे दूंगी इसको लाल होने के लिए। ये हो जाए, गैस तेज कर दिया मैंने। ये थोड़ा फ्राई होगा, नीचे वाला पोर्शन हुआ नहीं है, देखिए ये फिर से फ्राई होगा। फ्राई करके मैं आ जाऊंगी फिर। ये देखिए रोहू फिश फ्राई, ये कुछ अलग टाइप का है, ओके फिश फ्राई।